आती है और लोअर इंडेक्स डिफरेंस लोअर इंडेक्स डिफरेंस डिफरेंस देखने में यहां पर आपको इसको एस नंबर का सपोर्ट कर दिए तो सी 0 प्लस सी 1 सो करते करते
हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सो मिस्टर कैट, कहाँ कैसे चल रहा है? डिड यू गाइस रिवाइज दिस थ्योरी का, कैलोरीमेट्री का? सर स्टिल ऑन द प्रोसेस सर, टाइम ही नहीं मिला सर, मेजर टेस्ट प्रिपरेशन चल रहा है। एग्जैक्टली सर। हां सर, बहुत कम एकदम। ठीक है ठीक है, ठीक है। कुछ सम्स नहीं करते हैं अपन। अपन ने लास्ट क्लास में डिड वी डिस्कस द मेथड टू? यस सर, डाउट लेक्चर में किया था। ओके ओके, हां या प्लीज टेल किसी को डाउट। मेथड टू अगेन वी डिड डिस्कस है ना? यस सर। यस सर, विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। एस बी एनी डाउट उसमें? मेथड टू में उसमें हम जीरो पे वी अज्यूम ए इमेजिनरी डिवाइस व्हिच गेट्स ऑल द सब्सटेंसेस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर वो डिवाइस हीट अकॉर्डिंगली सप्लाई करके इक्विलिब्रियम टेंपरेचर अटेन करवाता है, राइट? ओके ओके, नाउ प्लीज ट्राई वाला इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 का 7th एंड 8th। सर लास्ट क्लास आपने होमवर्क में दिया था सर। लास्ट क्लास क्या दिस एवरीबॉडी हैज डन? यस सर। नो सर। यस सर। ओके, होमवर्क तो उसको डाउट लेक्चर में किसी को डाउट? हां सर। किसी को डाउट इसमें नहीं है ना? No sir. Confirm. Everybody, please tell किसी को doubt है तो। और अभी किया नहीं मैं। हाँ, ये वाला try करना है। अगर try नहीं किया है तो अभी try करो। मतलब कुछ students किसी ने try ऐसा तो नहीं किसी को नहीं किया है या doubt है? Sir doubt lecture के पहले try करेंगे तो चलेगा। हाँ sir, doubt lecture में करेंगे। हाँ नहीं नहीं, अभी कुछ sums भी practice करते हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा, पूरा जो ये हो जाएगा ना, क्योंकि जो है पूरा थ्योरी थ्री हो जाएगा। दो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए अपने ना, थर्मल एक्सपेंशन कैलोरीमेट्री विद इन 4 क्लासेस। तो सम्स का प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कुछ कुछ एटलीस्ट सम्स करते हैं, फिर क्या कुछ कुछ सम्स करते हैं, फिर जो है वी कैन स्टार्ट विद केडीजी। हां पहले सम्स ही करने सर, कुछ कुछ सम्स करते हैं। हां चलो ठीक है, पहले ये वाला करके बताओ। ये वाला कर लिया है सबने, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। हर्षल इसका आंसर आ गया था ना सर? आ गया था, अपने लास्ट लेक्चर सॉल्व किया था। लास्ट डाउट लेक्चर में जो अपने लेक्चर लिया था उसमें सॉल्व किया था आपने ये। चलो ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, कुछ कुछ सम्स अपने तरफ से पूछता हूं, आई आस्क यू गाइस टू सॉल्व नाउ। हां तो गिव मी आंसर फॉर एक्सरसाइज 1 का पहले 23 करके बताओ। चलो very few sums I will ask. So, sirf exercise 1 mein this 2 I will ask you to do now. Exercise, baki to sab homework hai that you will do. So 23 was also given homework. Yes sir, you are given sir, 23 ho gaya. Okay. Yes, baki bache hue homework karna, lekin abhi exercise 1 ka mujhe 23 aur 27 solve karke batao. Sir. Haan haan. सर 27 भी होमवर्क में था पर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था उसका, ऑप्शंस में से मैच नहीं हो रहा था। ओके, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड। मतलब हां थोड़ा सा थोड़ा होमवर्क हुआ है, पूरा नहीं हुआ अभी तक, पर इसमें मैच नहीं हो रहा। आप एक बार कर सकते हो? नो प्रॉब्लम, पहले 23 ट्राई करने दो ना बाकी बच्चों को। स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई 23rd सर। ग्राफ वाला है, डाउट लेक्चर बाद में होगा ना इसके लिए? यस यस, इसके लिए फिर एक्स्ट्रा अपन करेंगे ही। वो तो बाकी जो बचे हुए सम्स, आज तो कुछ सम्स ही कुछ सम्स कर रहे हैं ना, होमवर्क मैंने काफी सारा दे रखा है, तो सबके थोड़े थोड़े एक दो सम्स करके करते हैं ना, पहले सम्स फिर थोड़ा हुआ लगेगा ना सब। थर्ड में ऐसा कुछ ग्राफ गिवन है?
एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड रिलेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन बताना है हमारी ऑलरेडी गॉट समझ हमारा भी आया ओके मानवी हाउ डिड यू डू 23rd वाला सम व्हिच कांसेप्ट यू आर गोइंग टू यूज क्लास व्हिच कांसेप्ट डन सर डन व्हिच कांसेप्ट यू आर गोइंग टू यूज सर फर्स्ट लेट हीट सप्लाई मतलब टोटल टाइम में कितना हीट सप्लाई हुआ उसको कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद वेट से डिवाइड कर दिया यस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इनटू एल स्टेट चेंज आपको टाइम मुझे चाहिए वाला टाइम बोला टाइम कितना गिवन है भाई ये वाला 10 seconds 10 minutes 10 minutes And the rate of supplying heat is 42,000 joules per minute into time. Time you are saying is 10 minutes is equal to m into l. M they have given us, kitna given hai wahan par 5 kg. Bas isse to theek hai wala graph wala to easy tha. Chalo 27th mujhe try karke batao. We'll also write the data. Those situations here. Okay. 50 gram ice. Then further 50 gram of ice. 50 plus 50. Plus So we have to consider that flasks also, mass of the flask and the C of the flask. Correct, good. क्योंकि यहाँ दिया नहीं है ना. Otherwise, answer is not following. That is correct. Correct, good.
वाटर का और कैलोरीमीटर का दोनों का 70 रहेगा। ओके सर। भाई कौन सा मेथड से करने हैं, वन या टू, 9-10 वाला या सेकंड मेथड? सेकंड मेथड से करो। सेकंड मेथड। सेकंड से करें यार, यहाँ तो हाई टेम्परेचर पे तो पहुंच ही गया है, फिर भी सेकंड से करना है। चलो भाई ठीक है सर, फर्स्ट से करो क्योंकि टेम्परेचर जो है पूरा आइस मेल्ट हो गया। देखो सेकंड मेथड तो सर फर्स्ट मेथड है ना, अभी जो है देखो सेकंड मेथड कब यूज करते हैं, व्हेन वी हैव अ डाउट कि भाई पूरा आइस मेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। इन दिस केस वी आर वेरी श्योर दैट होल ऑफ द आइस हैज मेल्टेड ना, तो सेकंड वाला जो है मतलब फर्स्ट वाला मेथड जो 9-10 वाला है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा और जल्दी से कर लोगे। सर यस हाँ सर, सेकंड केस में आइस का 80 ग्राम और वाटर 250 ग्राम होना चाहिए ना? नहीं, उसमें बोला है व्हेन फर्दर उस मिक्सचर में फर्दर 80 ग्राम ऑफ आइस हैज बीन एडेड। पहले तो आपने क्या किया था, 50 ग्राम आइस उस ड्रिंक में डाला था, तब जाके ड्रिंक पहुंचा था 40 पे, आपने और ठंडा करने के लिए फर्दर 80 ग्राम आइस और डाल दिया। सर पहले वाला आइस तो मेल्ट हो गया ना? हाँ तो सर पहले वाला आइस मेल्ट हुआ, और नया आइस जो 80 ग्राम है उसका इक्विलिब्रियम अलग से होगा ना, तो 80 और 250 नहीं होना चाहिए। नहीं, पहले तो आइस पूरा मेल्ट हो गया। हाँ नए वाले का सेम ही होगा ना यार, तो इस प्रॉब्लम को ऐसे चालू कर दो ना यार। 130 ग्राम आइस से चालू किया आपने। हाँ, 130 ग्राम आइस से 10 डिग्री आता है, इक्विलिब्रियम सेम ही होगा वैसे, है ना? हाँ एक ही बात है भाई, पहले आपने 50 डाला फिर 80 डाला या फिर सीधा 130 डाला, वही बात हो गई ना। फिर सेम कैसे होगा, नहीं समझे, दोनों का स्पेसिफिक हीट अलग है ना? ना 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 ना, देखो क्या है, पहले आपके पास जो ड्रिंक है, इस ड्रिंक में आपने 50 ग्राम आइस डाला तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पहुंचा कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसी ड्रिंक में एक्स्ट्रा और 80 ग्राम और डाला तो ये वाला 40 से फिर कहाँ उतर गया, 10 पे उतर गया। हाँ सर, तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं ना, सीधा भाई हमने 130 ग्राम डाला था और ये ड्रिंक जो है सीधा 70 से 10 मतलब 10 पे आ गया, ऐसा सोच सकते हैं? हाँ सर, समझा सर। अंश, हाउ विल यू डू इसका बताओ, क्या कैसे करना है? हर्षल हाउ विल यू डू जितने मंत्र आते हैं उस हिसाब से बड़ा और साथ। हेलो सर, म्यूट द माइक। हेलो सर। हाँ हर्षल, हाँ प्लीज टेल। सर पहले हम लोग 50 ग्राम ऑफ आइस इनटू फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन ओके प्लस 50 इनटू 1 इनटू 40 सर वो निकालना है एल। यस सर, एल तो निकालना। सर यू कैन सब्स्टिट्यूट 80 ना, वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू। यस सर, वी हैव टू 50 into 1 into delta T, हाँ plus इसका temperature भी बढ़ाना तो है भाई, 40 तक 200 into 30 plus हाँ ये वाला correct है ना, ये वाला। और delta T को क्या लिखोगे? करा method 2 से करा delta T 40 delta T 40 yes sir 40 40 delta T ना,
अब ये कहां से कहां आया 40 0 से 40 तो फिर डेल्टा t और राइट हैंड साइड में बताओ क्या आएगा भाई 200 into 1 into 200 सर 200 गामा 1 into 30 डिग्री 70 से 40 70 से 40 70 से 40 और प्लस का क्या हुआ mf into 30 m into s into m into s को यार c1 कुछ कॉल कर लेते हैं c सर हीट गेन बाय आइस का 50l प्लस 50 into half into 40 होगा ना नहीं आइस का स्टेट चेंज हो गया पानी बन गया ना ओके ओके सर तो आपने फ्लास्क का क्या किया सर फ्लास्क का जो है क्या फ्लास्क का क्या आना चाहिए m into s आना चाहिए ऐसा यस सर मास ऑफ द फ्लास्क स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लास्क तो ये दोनों कंबाइन समझ गया समझ कॉल कर रहा हूं c is equal to ms फ्लास्क के लिए एक इक्वेशन तो ये वाली हो गई अब दूसरे के बारे में बातें करो भाई सर उसमें 130 ग्राम ऑफ आइस हो जाएगा ना 130 ग्राम ऑफ आइस ओके फिर और 130 इनटू l प्लस 130 इनटू 1 इनटू 10 10 200 इनटू 1 इनटू 60 इनटू 1 इनटू कितना 60 तो हमने जो है ऐसा ही सोचा कि 50 फिर और डाल के फिर और क्यों करना तो भाई सीधा पहले 50 डाला है और इधर 50 प्लस 180 130 टोटल इनपुट गया है आइस का सर इससे आंसर आ जाएगा इसे एक बार चेक करो सर मुझे कुछ l is equal to 90 आ रहा है वो लगता है कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर हां l equal to 90 कैलोरीज पर ग्राम आएगा जूल पर किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक मिनट l की वैल्यू आ रही है 90 कैलोरीज पर ग्राम ठीक है भाई तो 90 कैलोरी कैलोरी को जूल में करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ग्राम को केजी में करना है तो 10 टू पावर -3 केजी कर देते हैं सर ऑप्शन ए आता सर आपने जो 50 प्लस 80 वाला किया ना सर तो उसमें तो पहले से आइस तो मेल्ट हो गया तो आपने 130 एल क्यों लिखा क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो किया है उसमें आइस मेल्ट हो गया ना ओहो नहीं नहीं देखो अगर कहीं जो है आप सोच सकते हो ये ड्रिंक को हमें हमारे पास ये क्या है 200 ग्राम्स ऑफ वाटर प्लस फ्लास्क है ना ये वाला ये जो हीट सप्लाई करने वाला है और लेने वाले को ना ये सर यहां पे लोगों ने टू स्टेप प्रोसेस लिखा टू स्टेप प्रोसेस क्या क्या था पहले 50 ग्राम आइस फिर 80 ग्राम ऑफ आइस ऐसा था टू स्टेप प्रोसेस हां सर हमने बोला सीधा टू स्टेप प्रोसेस क्यों बार-बार करना है यार सीधा डाल दो ना 130 ग्राम ऑफ आइस गया है और फाइनल टेंपरेचर ये है अच्छा तो वो अलग मतलब अलग मेथड है क्या वो जो पहले सेकंड वाला है दो बार फिर कैलकुलेट क्यों करना सीधा देखो इनपुट कितना गया 130 ग्राम आइस का गया इनपुट गया उसमें हां सर और फाइनली उस सिचुएशन में टेंपरेचर कितना बना 10 बना हां तो ठीक है हम उसको ऐसा ट्रीट करते हैं प्रॉब्लम को ओके सर क्योंकि कहीं हीट लॉस तो नहीं हुआ ना कंजर्वड ही है ना भाई सिस्टम में ही है पूरा अच्छा तो आपने दो मतलब ऐसे दो इक्वेशन बनाए ना एक हाँ। सिर्फ 50 को लेकर और दूसरा 50 प्लस 80 को लेकर ओके सर अब मुझे जो है 50 ग्राम ऑफ आइस का लेटेंट हीट है वो नहीं लेटेंट हीट ऑफ आइस कितने को दिए 50 ग्राम आइस का लेटेंट हीट या 80 ग्राम ऑफ वही आइस है ना तो वही रहेगा आप मतलब जैसा दिया है वैसे करना चाहते हो इक्वेशन सेम आएगा ना देखो जैसे एक आपके पास ग्लास है ना
उस ग्लास में आपने क्या किया, ड्रिंक है आपके पास वाटर का 200 grams ना, अब उसमें भाई 50 gram ऑफ आइस डालते हो तो कितना बनता है, 1 gram 40 आता है। फर्दर और फर्दर आप जो है इसमें और आइस डालते हो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा, राइट, कम होगा, कितना हो गया 10 हो गया। तो हम ऐसा सोच सकते हैं ना, सीधे ग्लास में हमने 130 gram ऑफ आइस डाला और टेम्परेचर 10 degrees आ गया। अंडरस्टूड? क्या स्पेस नहीं भाई, यहाँ तक लाने के बाद फिर आइस लाके वैसा करना चाहते हो इसी इक्वेशन में, मतलब यहाँ तक आने के बाद फिर उसको करना चाहते हो क्या? हाँ, उसमें भी जो है सेम इक्वेशन तो वही आएगा ना, वैसी इक्वेशन आएगा सर, उसमें दो स्टेप आएंगे ना, लेफ्ट वाले में जो लिखा है 40 से 10 फिर और एक बार वही इक्वेशन डालना पड़ेगा। हाँ, 40 से पहले देखो यहाँ पे क्या आया, 40 फिर 40 से फिर 10 है ना, तो सॉल्व करेंगे एक ही बात है सर। उसमें वाटर का मास क्या लेंगे? तो चलो उससे करके देखते हैं, चलो। हाँ, नहीं बस सर उतना ही डाउट था, मतलब वो हो जाएगा इक्वेशन समझ गया मैं। अब पूरा पानी बन गया भाई, देखो पानी क्या हो गया, ये 200 ग्राम था, 50 ग्राम था, 250 हो जाएगा, 200 प्लस 50 250 हो जाएगा। यस सर, यस सर, इतना ही। यू वांट मी टू राइट द इक्वेशन फॉर दैट? नो सर, नो, ठीक वो हो जाएगा सर। ओके, हेलो सर। हां हां हां, मैं बेसिकली बोल रही हूं यहां से 40 डिग्री तक का जो भी मास रहेगा वाटर का निकाल लेंगे और वो यहाँ पे जो राइट में इक्वेशन आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यस, ओके सर। देखो देखो अर्जुन, देखो इसमें क्या हो रहा है, चलो यहाँ अगर उसको सोचना है, सही वैसे करना चाहते हो, सेकंड इक्वेशन सेटअप करते हैं ना, ये वाला था 70 - 40, चलो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन तो आ गया। अब सेकंड इक्वेशन में अब आपके पास ये पूरा देखो 200 grams वाटर था, 50 gram आइस पूरा मेल्ट हो गया है। अब आपके पास क्या है, फ्लास्क है, फ्लास्क है और इसमें ये वाला पानी है, ये भी पानी बन गया 250 grams वाटर। अब इसमें आपने कितना और डाल रहे हो, 80 grams आइस और डाल, चलो ठीक है भाई 80 grams आइस और डाल दो। फिर लिखो अब ये तुम्हारे हो गए है ना, तो क्या करोगे, हीट लॉस, तो हीट गेन बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस बाय दिस वाटर, हीट लॉस बाय वाटर प्लस फ्लास्क। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, 80 × L प्लस है ना आइस। अब इसको इसका इक्वल टू क्या है, 10 है भाई ना, प्लस 80 × 1 वाटर बन गया और डेल्टा टी 10 आ जाएगा इसका। यस सर। अब इसके इसके लिए देखो, अब ये कहाँ पे बैठा हुआ है, 40 degrees centigrade पे बैठे हुए हैं लोग, तो 40 degrees से इनको 10 पे उतारो, 40 degrees पे 10 पे उतारना है पहले वाटर, 250 × 1 × 40 - 10 प्लस फ्लास्क को भी उतारना पड़ेगा, फ्लास्क का M × S को हमने C बोल रखा है, 40 - 10 तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, हाँ इसको भी सॉल्व करोगे तो यू गेट द सेम आंसर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ अच्छा, अब मुझे एक्सरसाइज 3 का पैसेज 1 करके बताओ। सर होमवर्क दे दिया था आपने पहले, जय कुछ कुछ पैसेज 1 और 2 मैं वही कर रहा हूँ, कुछ कुछ जो एक एक दो दो बीच बीच कराते जा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स बिल्कुल ही इनर्शिया कर नहीं रहे, एक दो दे रहा हूँ। हाँ चलो पैसेज 1 जल्दी करो। सर कैलोरी पर ग्राम सीजीएस यूनिट थोड़ी होगा, क्या 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 कैलोरी क्या क्या सर, कैलोरी पर ग्राम एक सीजीएस यूनिट कहलाता है। कैलोरी पर ग्राम जो है यूजुअली बोल देते हैं हीट में, ऐसा एसआई में तो जूल रखते हैं, जूल पर केजी। सर सीजीएस में तो अर्ग पर ग्राम होगा ना, वो एनर्जी फिर हाँ अर्ग में चला जाएगा, लेकिन ठीक है ऐसा मतलब कैलकुलेशन में ऐसा रख लेते हैं। सर क्योंकि उसका सेकंड पैसेज 1 का सेकंड और थर्ड में स्पेसिफिक हीट इन सीजीएस यूनिट्स और जो आंसर वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कैलोरी पर ग्राम में है, तो इसलिए पूछा। ओह दे शुड हैव गिवन, हां मतलब ठीक है, दे शुड हैव गिवन इन कैलोरीज पर ग्राम ऐसा करके देना चाहिए था, हां क्योंकि अर्ग्स में आ जाएगा। यस सर, कन्वर्जन यूनिट क्या होता है अर्ग्स का? अर्ग्स आपने पढ़ा है ना, जो है देखो याद है डाइन और वोला भी पढ़ा है, फोर्स के लिए क्या था, 1 newton is 10 power 5 डाइन और 1 joule is 10 power 7 अर्ग।
I forgot. Somebody saying the screenshots today, na? सर ग्रुप पे एक भी स्क्रीनशॉट नहीं आया अभी सर नहीं आ रहा है जतिन आ रहे हैं मानस सेकंड डे किसी ने भेजा अभी वो भेजा चलो ठीक है भाई पहला वाला बताओ इसमें जल्दी करो यार सब कुछ इसमें टेम्परेचर दिख रहा है और यहाँ पे हीट कैलोरी सर वैसे आज आपको न्यूज़ कुछ न्यू पढ़ा कि किसी को समझ ही हो देख ये देखें कुछ सबके दो दो कुछ करा करके फिर जो है फिर या फिर ओके सर ना भाई वहां पर वो लोगों ने दिया नहीं है क्या दिया है रिलेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस तो वहां पे दे शुड रिलेटिव टू वाटर रिलेटिव स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस टू वाटर रिलेटिव टू वाटर हाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस रिलेटिव टू वाटर दे शुड हैव गिवन This is defined as specific heat of substance divided by specific heat of water. और specific heat of water क्या होता है? 1 calorie per gram per degree centigrade. तो इस data से जो है आपको specific heat of substance ढूंढना पड़ेगा भाई सर ये रिलेशन क्यों यूज कर रहे हैं नहीं समझा हाँ क्योंकि जो है देखो उन्होंने एक वर्ड दिखाया क्वेश्चन में आई एम रीडिंग दैट कि रिलेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर हाँ टू वाटर यस हर्षल क्या डाउट था सर क्वेश्चन 3 में हम चेंज इन टेंपरेचर 40 डिग्री लेंगे ना इन क्वेश्चन Question 3 in of this passage. Yes. Question 3, अभी पहले 1 तो बताओ, 1 का कैसे किया? Sir, 1 का normally कर लिया है. MS delta T. MS delta T. Q is equal to MS delta T. Q अपना 800 है. हाँ. M ढूंढना है. S दिया है. Delta T 80 है, S 0.5 है. हाँ, delta T 80. Delta T 80. 80. हो गया, sir. चलो, ठीक है. लेटेंट हीट वाला सेकंड पार्ट करना है वो Q is equal to ML से हो जाएगा ओके इसमें हाँ Q की वैल्यू क्या होगी फिर 800 ग्राफ से रीडिंग लिया क्या हाँ सर और M की वैल्यू इस अभी निकाला ना 20, M की वैल्यू कितनी 20 grams ओके M 20 जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट ठीक है सॉलिड मेल्टिंग और फिर ये लिक्विड टेम्परेचर राइज ठीक है तो
थर्ड वाले के लिए जो है हर्षल भाई आईस क्यू 800 नहीं ग्राफ में रीडिंग देते हैं तो 100 पे मार्किंग है तो पहला वाला देखेंगे तो सब पांच इंटरवल्स है ना 200 200 200 के दिख रहे हैं डेटा में यस सर नहीं सॉरी सर मैंने उसको 1000 देख लिया सर हीट 600 रहेगा इसके थर्ड वाले के लिए क्या थर्ड वाले यस सर 600 इज इक्वल टू 20 × 40 हां ये 600 है ओके हां मास 0.75 आ रहा है 20 × S × 40 सर आपने जो रिलेटिव बोला वो कौन से क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन का था ना अरे नहीं देखो पैसेज में डेटा दिया है ना रिलेटिव स्पेसिफिक हीट इज 0.5 तो रिलेटिव टू वाटर हां रिलेटिव टू वाटर तो उसका मतलब है स्पेसिफिक ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय स्पेसिफिक ऑफ वाटर अब ये वाला हम लोगों ने 0.5 दिया है तो उसको इधर लेंगे आएंगे आएंगे तो 0.5 * 1 क्या हो जाएगा 0.5 ही हो जाएगा सर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वाटर का हमेशा 1 ही रहता है तो यस यस हां अब जो ठीक है ये वाला हो गया ये सबका आया क्या किसी को डाउट है क्या माननी गॉट दिस सम यस कुछ सम्स करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं कर लेते हैं जल्दी जल्दी करो पैसेज 2 और 3 करना अभी पैसेज 2 अरे पूरा मैं होमवर्क थोड़ा कराऊंगा वो तो मैंने स्टार्ट करा के दिया है आपको करना है ना होमवर्क बच्चे अभी कर नहीं रहे इसलिए ना सर एमटी के बाद करेंगे तो चलेगा प्लीज सर हां ठीक है हां सर ओके मैं बोल रहा हूं ना ठीक है मतलब जस्ट मैं अपना वो स्टार्ट करेंगे तो भूल जाएंगे बच्चे इसलिए मैं धीरे-धीरे एक-एक दो-दो सबके करा के दे रहा हूं हां अशोक एक्सरसाइज 4 का 7 आपने फोर्थ वाला बोला था कि सेवेंथ वाला एक्सरसाइज 4 का 7 मतलब ये ऐसा व्हील है एक मिनट हाँ
व्हील, और व्हील का जो है ये इनर होल, अगर आपके पास एक शाफ्ट है, शाफ्ट मतलब वही सिलेंडर जो रोटेट कराने के लिए है। डन सर। डन। अरे इसका डायमीटर 8.70 है, इसका 8.69 है। एडन, एडन नहीं बता रहा, अखिल, ठीक है ये आ गया। बाकी जिसके ये वाला हो गया है बच्चे, बाकी नेक्स्ट आप 8 वाला ट्राई करो, खाली मत बैठो, इतनी आना बाकी सब फॉर्मूले भूल गया होगा, और लोग जाओ दूसरे को पूछता हूँ। Achal, how will you do this one? Please tell. So yeah, done. Huh? Wait, this ka seventh ho gaya. Ye wala eighth karo. Abhi mujhe seventh wala main students se poochta hu. Kab tum log formula bhul hi gaye ho? Formula to yaad rakhna tha na. So just screen. Hey guru, yeah. Let I am checking the names. Huh? जो है शार्वेल, जो है सर डेंडगेट, शार्वेल नहीं आया, ठीक है। और जो है निशित, प्रिशा, प्लीज टेल हाउ यू विल डू दिस वन। नहीं देखो ये हायर डायमीटर का है ना, और इसलिए इसको कूल कर रहे हैं, और इसमें जो है आपको इसमें फिट करना है। हाँ भाई हर्षल या किसका आया प्लीज टेल। सर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डायरेक्ट फार्मूला में सर हां डेल्टा डी फार्मूला डेल्टा डी इज इक्वल टू डी1 हां इसको कूल कर डेल्टा डी इज इक्वल टू डी अल्फा डेल्टा टी अल्फा दिया है डेल्टा टी में इनिशियल पता है हां डेल्टा डी चेंज कराना है 8.7 से कम कराना है 0.01 सेंटीमीटर और इसका ओरिजिनल डायमीटर क्या था 8.70 इसको ठंडा करना इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी फॉर्मूले याद रखना चाहिए ना, फॉर्मूला शीट भी आई हैव गिवन, फॉर्मूला शीट एटलीस्ट एक कभी कभी देखो ना उसको, आयुष हाँ अरे फॉर्मूला शीट के लिए तो टाइम होना चाहिए, ठीक है एमटी पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं इसको पूरा नेगलेक्ट कर दिया तुम लोगों ने, एटलीस्ट फॉर्मूला शीट है समरी शीट है, यू शुड समरी शीट देखो रिवाइज करने में कितना देर लगेगा 15 मिनट्स ना 15 मिनट एटलीस्ट उसको स्ट्रेच में रखना है सर -68.8 डिग्री सेल्सियस आ रहा है हां सर यस नहीं फाइनल टेंपरेचर -68.8 हां तो फाइनली बोल रहा हूं ठीक है भाई पहले डेल्टा डी की वैल्यू बताओ कितनी आई 95.7 तो इतना कम करना है ना टेम्परेचर आपको कम करना है टी फाइनल और इनिशियली टेम्परेचर जो था व्हाट वाज दैट इनिशियल टेम्परेचर 27 था इतना कम करना है चलो ठीक है फिर कम करने के बाद टेम्परेचर नेगेटिव में आ जाएगा ठीक है अब मुझे 8 वाला सॉल्व करके बताओ
Done, sir. It was done. Very good. Okay. Just a minute, sir. Okay, okay. Sir, extend last 30 seconds now. Which one? What you're saying? Done, Brian, done. Give last 30 seconds now, sir. We're still solving. Okay. Okay, 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 okay. This will be the last. Then we'll next start. Karte. Done, sir. Done. Done, sir. जो है एक एक last और फिर इसके बाद फिर start करूँगा. Page 249 में 15th और मुझे दिख रहा है 15th question और fill in the blanks का one ये दिया था शायद मैंने. ये फिल इन द ब्लैंक्स है. ये जेई वाले इसमें ही है टू कैलकुलेटर्स दे कंटेन इक्वल कंट्री ऑफ वॉटर एट 20. इसमें मेटल पीस है सारा 5 ग्राम. स्पेसिफिक इसका 0.2. इसमें यू हैव सेकंड सिचुएशन इक्वल क्वांटिटी m 20 डिग्री सेंटीग्रेड y मेटल पीस 5 ग्राम d ब्रेकडाउन टेंपरेचर a इज 22 यहां पर इक्विलिब्रियम इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड यहां का इक्विलिब्रियम 23 डिग्री सेंटीग्रेड find the specific heat of metal y. Y को बताना. So fill in the blanks में 15th question नहीं है. ये नहीं है क्या फिल इन द ब्लैंक्स का नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स तो अबाउट दैट 15 सर फिल इन द ब्लैंक्स का पेज नंबर क्या है 249 सेम ही पेज पे ओह थैंक यू 15 किस सेक्शन का सब्जेक्ट टू टाइप अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स का पहला वर्ष लो पेज में फर्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज 249 तो जब आपने 15 लिखा है वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा फिर 15 वाला मल्टीपल चॉइस है वो ओके ओके मल्टीपल करेक्ट ओके ओके ओके
डांस और ऑल थ्री ऑल थ्री डांस यस सर डांस सर 15 तो हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया था ना क्लास में हां सर एक मिनट इसका बताओ यार कैसे करना है इसका डाटा बताओ मुझे जल्दी से कैसे करना है इसका सर पहले मास निकालेंगे सर 5 into 0.2 into 18 इक्वल टू सर सर दोनों में एनर्जी का इक्वेशन एक मिनट इसका टेंपरेचर कितना है इनिशियल वाला 40 40 to 22 40 40 to 22 18 हो जाएगा 18 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
प्लस सी इनटू 2 अरे हां उसका कैलोरीमेट्री का पता नहीं है तो सी इनटू 2 कर देते हैं m इनटू उसके m इनटू s को c बोल रहे हैं ना और इसके लिए इक्वेशन क्वेश्चन में दिया नहीं है तो नेगलेक्ट भी कर देंगे तो सेम ही आंसर आएगा नहीं अगर दिया नहीं है मतलब कभी अगर मान लो जीरो होगा तो जीरो भी आएगा ना अपने आप तो अब वी शुड नॉट नेगलेक्ट इनटू एस इनटू और यहां पे डेल्टा डी क्या होगा इसका 40 minus 23, 17. 17 minus 23. अब यहाँ पर ये लोग जो है, m into 1 पानी का m into 1 into 3 plus c into 3. C into 3. Okay, you have two unknowns, two equations. So we can take mw, like mass of water plus c common and then divide. ओके 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 अरे हाँ दोनों कॉमन ही है ना एन प्लस और ये कितना हो गया यार ये कितना हो गया ये वाला 40 माइनस 22 18 हो गया 18 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एम प्लस सी इनटू टी इज इक्वल टू ये कितना हो गया भाई 5 इनटू एस सर 85 एस इनटू 5 इनटू 3 इनटू एस ना 5 into 17 85 85 ओके यार फिर या फिर ये एस की वैल्यू ओके 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 हां ऐसे ही निकालना है ना ओके हां सर सो इट इज एडविजिबल टू टेक सी इवन इफ दे हैव नॉट मेंशनड एनी डेटा अबाउट इट करेक्ट करेक्ट हां वो लोगों ने नहीं दिया है तो वी शुड टेक सी चलो ठीक है गाइस फिर आगे शैल वी स्टार्ट ये वाला ये सबका ये हो गया है ना हो गया सर हो गया हां सर हो गया सर बस वो फिल इन द ब्लैंक्स में स्टेट पूछा है तो उसको क्या बोलेंगे मतलब ट्रांजिशन स्टेट है ना सर सर वो ट्रांजिशन स्टेट है ना एक्चुअली एक पेज 249 में जो फिल इन द ब्लैंक्स है कौन सा स्टेट फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला हां द मटेरियल इज इन द सॉलिड स्टेट एट पॉइंट पी सॉलिड है तो उसका टेंपरेचर बढ़ेगा भाई 0 से ए तक फिर वहां मेल्ट हो जाएगा तो ए से बी मेल्टिंग चल रहा है उसका हाँ सर तो आंसर वही दिया तो स्टेट क्या बोलेंगे पार्टली सॉलिड पार्टली लिक्विड लिखेंगे अरे यार ये तो हाँ एस पी पे तो दोनों हो जाएगा ना सर पीछे भी वही लिखा है पार्टली सॉलिड पार्टली लिक्विड करेक्ट दोनों इक्विलिब्रियम ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड लिख सकते हैं हाँ सर पार्ट दोनों नहीं कुछ मेल्ट हुआ है कुछ सॉलिड में ऐसा बोलेंगे ना कुछ सम पार्ट हैज मेल्टेड और सम कुछ जैसे कुछ आइस मेल्ट हुआ है या कुछ जो भी है कुछ मेल्ट हुआ है कुछ सॉलिड फॉर्म में है कुछ लिक्विड फॉर्म में है ओके सर अब स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में चलो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का भाई पहला तो डेरिवेशन आई विल रीड दिस वन
Sir, is it same as that of chemistry or different? No, same. Chemical gases. Okay. भाई इसके assumptions क्या क्या थे बताओ? कुछ ये model जो develop हुआ है. Sir, gases were molecules are spherical. Molecules. And we collisions are elastic. And we neglect the volume occupied by the molecules. पहला जो है आई विल रीड इट आउट, बाद में आपको कॉपी करना है ये वाला नोट्स में. तो गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. हाँ पहला नंबर जो है काफी लार्ज. हाँ ये मॉडल जो डेवलप्ड है और इज वैलिड ओनली फॉर लार्ज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. ऐसा नहीं कि आपने 5-10 मॉलिक्यूल्स ले लिया और उसके लिए ये मॉडल वैलिड है. नो. तो गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. फिर दिस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल परफेक्टली इलास्टिक. इलास्टिक इसलिए भाई ठीक है अभी क्योंकि जो है इसका प्रेशर जब डिराइव करेंगे प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर वो उसमें जो है न्यूटन सेकेंड लॉ से हम वो जो डिराइव करेंगे हाँ उसमें यूज होता है इलास्टिक वाला टर्म. इलास्टिक हार्ड स्फीयर. They are so small that the volume of the molecules is negligible as compared to the volume of the gas. So, ठीक है. But the volume of the gas अगर बोल रहे हैं, तो volume of the gas मतलब उस molecules का 4/3 pi r³ नहीं. Volume of the gas मतलब volume of the container. ठीक है guys. First point. Yes, हाँ ये वाला copy करना है ना notes में copy करना. हाँ. तो volume of the gas मतलब जो है first point से मतलब जो inference का वाला बोली था मतलब तो वॉल्यूम ऑफ द गैस उसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. फर्स्ट पॉइंट तो मुझे ये वाला स्पेस कराना था. सर इसका नोट्स लिखने की जरूरत है क्या क्योंकि सर डेरिवेशंस भी केमिस्ट्री का एकदम सेम है. ठीक है तो बस जल्दी जल्दी करते जाएंगे ना. हाँ देखो अब फिर जो है मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन. मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट मोशन जो है रैंडम है. तो जो है हाँ मोशन जो है रैंडमली और देर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में कोई फोर्स नहीं है एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन. कोलिजन के डेरिवेशन में ही वो लोग एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं. मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंट्रैक्ट विद ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द स्मॉल टाइम ड्यूरिंग कोलिजन. फिर थर्ड वाला ठीक है भाई क्या कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कंजर्व. फोर्थ पॉइंट मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. The duration of collision is negligible compared to these times when the molecule between collisions. Fir, fifth point, steady state. Ye apan ko discuss karna hai bhai. Fifth wala discuss karenge. Sixth wala jo hai molecules obeys Newton's laws of motion. Isse hi aapne pressure nikala tha. Theek hai. Aur the assumption of quantity theories of are close to the real situation at low densities. Haan. Theek hai. To low densities ke liye hai. Pehle to hum fifth point discuss karte hain. क्या दिया है स्टडी क्या क्या कॉपी करना ये वाला आप मतलब बाद में घर पे कॉपी करना अभी नहीं. हां बाद में फिर व्हिच पॉइंट्स डू यू हैव टू कॉपी ऑल पॉइंट्स अगर कि लिख सकते हो नोट्स में तो सभी पॉइंट्स लिख लो ना क्योंकि जो है आपके 12th एचएससी में तो ये वाला पार्ट 12th में है. तो 12th में यार ये वाला क्वेश्चन कभी-कभी आ जाता है असम्पशंस लिखने के लिए. तो ठीक है एक तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा ना बोर्ड्स के लिए. ओके सर चलो ठीक है. अब जो है वाला पार्ट हां स्टडी स्टेट. Steady state में density and distribution of the molecules with different velocities are independent of position, direction, and time. This assumption is justified if the molecules number of molecules is very large. मतलब जो है देखो क्या होगा कि जो है fifth point के लिए molecules do not have any preferred direction of motion. Preferred direction. All directions are equal. सर इसका मतलब वही है क्या कि समेशन v स्क्वायर x इज इक्वल टू समेशन v स्क्वायर y इज इक्वल टू समेशन v स्क्वायर z. करेक्ट. मॉलिक्यूल्स क्या है 3d स्पेस में जा रहा है. तो 3d स्पेस में जब जा रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे vx i कैप प्लस v y j कैप प्लस vz k कैप. तो v स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर. और अजम्पशन क्या कहता है भाई कि all directions are equivalent. Molecules do not have any preferred direction. मतलब vx is equal to vy equal to vz. ठीक है तो इससे जो है
तो यहाँ पे लिखोगे ये वाला 3vx स्क्वायर, तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, इससे आ जाएगा vx स्क्वायर इज व्हाट, vx स्क्वायर इज व्हाट, v स्क्वायर बाय 3 ना, vx स्क्वायर इज v स्क्वायर, यस सर, vx स्क्वायर इज इक्वल टू vy स्क्वायर इक्वल टू vz स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 3, भाई आया ना, vx स्क्वायर इज v स्क्वायर बाय 3। अब जो है इसी से ही आपने जो है डिराइव किया था, ठीक है, तो मोशन जो है रैंडम मोशन है ना, रैंडमली ऑल डायरेक्शंस में है, ओके, एवरेज, इफ आई आस्क यू एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, क्या होगा, एवरेज स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, वेलोसिटी जीरो, ये सभी डायरेक्शन है भाई, उधर कैंसिल आउट होते जाएंगे, रैंडमली घूम रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन, राइट, यस, रैंडम मोशन सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रोबेबिलिटी जीरो, एवरेज स्पीड तो आएगा, हाँ एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, इसमें पॉइंट के लिए वाला लिखना था, नोट में लिखना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, और नेट लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जीरो, जीरो वेक्टर टोटल ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ये भी जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है, वेक्टर है कभी डायरेक्शन इक्वल तो, फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग, फिफ्थ अजम्पशन के अकॉर्डिंग, फिर आता है एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड, चलो ठीक है, सर 2 मिनट रुकिए सर, कॉपी करना है आप जो देख रहे हैं, हां श्रेयांश प्लीज लगेगी, चलिए सब नोट डाउन करना, यस यस, हां जरा करो, एटलीस्ट ये सब तो करो, एटलीस्ट फिफ्थ पॉइंट करना है, फिफ्थ पॉइंट, हाँ अजम्पशन का फिफ्थ पॉइंट, और ये वाला, और ये वाला सर, ऑल ऑल डायरेक्शन से कंडीशन है या कंपल्सरीली, अच्छा अजम्पशन, इसका अजम्पशन, क्योंकि ये वाला यूज होता है ना, इट्स अजम्पशन फॉर दिस मॉडल, पॉइंट में आपने जो vx स्क्वायर vy स्क्वायर लिए, ये सर सारे मॉलिक्यूल्स का ऐड करके सिर्फ vy की सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल के लिए लिखा है आपने, नहीं ये सिंगल मॉलिक्यूल का है, हर मॉलिक्यूल की अलग-अलग स्पीड है, मान लो v1 है, v2 वेक्टर है, v3 वेक्टर है, और उस v1 वेक्टर का vx1 vy1 vz1 होगा, और है ना ये vx1 vy1 vz1 होगा, अब assumption क्या कहता है कि सभी इक्वल है, उसके कंपोनेंट सभी इक्वल है, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल x में फास्ट में जा रहा है, y स्लो जा रहा है, या z फास्ट जा रहा है, सर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए तो अनइक्वल हो सकते हैं, टोटल सम उसका इक्वल होगा ना, नहीं नहीं एक मॉलिक्यूल के लिए, मतलब एक मॉलिक्यूल x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल y एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और तीसरा मॉलिक्यूल z एक्सिस के अलोंग जाएगा, तो भी उसका नहीं, उसका वेलोसिटी तो अलग होगा ना, नहीं नहीं assumption क्या कह रहा है कि जैसे एक मॉलिक्यूल है, स्पीड मान लो जो है अलग अलग है, स्पीड मतलब मॉलिक्यूल्स का स्पीड है ना, मतलब स्पीड मतलब मैग्नेट ऑफ वेलोसिटी, v1 है किसी का, v2 है किसी का, v3 है, हाँ अब v1 v2 v3 है, तो उस मॉलिक्यूल के कंपोनेंट्स हमने निकाले, तो वो मॉलिक्यूल का ऐसा नहीं कोई x डायरेक्शन में प्रेफरेबली ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और y में कम कर रहा है, ऐसा नहीं, तो x में सेम है उसका, y में सेम है, ऐसा उसी मॉलिक्यूल का, हाँ ओके सर, एवरेज भाई एवरेज तो वेक्टर हो गया ना यार, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर है तो कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई लेफ्ट, जितने लेफ्ट में जा रहे होंगे उतने राइट में, जितने अप में डाउन, तो वेक्टर सब तो जीरो ही होगा ना, इसलिए जीरो रखा है, तो पी टोटल जीरो ना, मोमेंटम भी वैसे ही हो गया ना यार, ठीक है, मास मास इनटू हो गया ना, मास तो सबके लिए सेम अज्यूम किया है, आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स, हां ठीक है, फिर जो है
अब यहाँ पर एक और ये वाली नई क्वांटिटी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, कोई सा भी वैल्यू हो, तो पहले क्या करोगे, कैसे निकालोगे, है ना, उल्टा पहले वैल्यू लिखना है, फिर जो भी वैल्यू है करते हैं अपन डिस्कस, वैल्यू को क्या करना है, स्क्वायर करना है. मीन मीन का मतलब होता है इंटीग्रल, मीन ऑफ अ फंक्शन, एक मीन ऑफ फंक्शन आपने पढ़ा है, एक मिनट जाओ फिर से बताता हूँ, पहले मीन फंक्शन बता देता हूँ. देखो मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है. अगर मान लो आपको बोला जाए भाई एवरेज स्पीड निकालो, है ना, तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट. तो है ना, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इंटीग्रल ऑफ dx करोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन इंटीग्रल dt, dx क्या हो जाएगा v dt, और इंटीग्रल dt हो गया. तो मतलब एवरेज स्पीड कैसे निकाला, v एवरेज आपने कैसे निकाला, इंटीग्रल v dt अपॉन इंटीग्रल dt. तो कोई सा भी फंक्शन है, मान लो f कोई जनरल फंक्शन है, वेलोसिटी या कोई भी इलेक्ट्रिक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका एवरेज निकालना है, f एवरेज क्या जाएगा, इंटीग्रल f dt अपॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल f dt अपॉन इंटीग्रल dt, वही हो गया ना यार, है ना. अब इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ जगह f एवरेज, तो ऐसे का मतलब मीनिंग है एवरेज वैल्यू, हां ठीक है. तो एवरेज वैल्यू ऐसी होती है, इंटीग्रल f dt अपॉन इंटीग्रल dt, एवरेज का मतलब वही है, एवरेज का मतलब सम कर लिया डिवाइड बाय s, ठीक है. अब जो है रूट मीन स्क्वायर, चलो वही ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है. तो पहले क्या करना है, आपको वैल्यूज लेना है, हाँ वैल्यू भाई, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल, तो पहले वैल्यूज लो, वैल्यूज यहाँ पे क्या है, स्पीड. दूसरे क्वांटिटीज भी आएंगे आगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, लास्ट में एसी आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें भी करेंगे अपन. पहले तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, स्पीड. स्पीड अलग अलग मॉलिक्यूल्स का है, v1 v2 v3 एंड सो ऑन, हाँ. फिर यहाँ पे आओ, फिर क्या कहता है, उल्टा आना है, हाँ. स्क्वायर करो, स्क्वायर किया सबको, फिर मीन का मतलब क्या है, सम टोटल डिवाइडेड बाई एन, मीन किया फिर रूट लिया, ये रूट, तो ये क्या बन जाएगा, vRMS. Guys, is it okay? Yes, sir. इसमें ये वाला हो गया था क्या, पहले हो चुका है था, केमिस्ट्री में किया है क्या सब, हाँ yes sir. Okay. Root mean square speed is ऐसा, हाँ तो ठीक है. अगर मान लो जो है, यस अंश, हाँ प्लीज टेल, यस सर, उधर राइट में डीएक्स डीटी नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन में, तो ये वाला ये टाइम एवरेज है, एवरेज स्पीड में, एवरेज स्पीड में कुछ रॉन्ग है क्या, नहीं जो है dx अपॉन dt है ना, dx क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम हुआ ना, ठीक है, इसका मतलब वही है ना. देखो ये क्या है, dx आपको टोटल एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे ही हो गया, अंडरस्टूड ना, जैसे आपको अपन फंक्शंस पे जा रहे हैं, एक मिनट, हाँ
डन था ना, ठीक है. जैसे दोनों के वैल्यू एग्जांपल लेता हूं, अगर कि मान लो को दिया हुआ है कुछ, मान लो आपके जो है एक चेंबर है, मान लो चलो ठीक है एक चेंबर, हां उसमें मान लो यू हैव फाइव मॉलिक्यूल्स, हां फाइव मॉलिक्यूल्स है, और फाइव मॉलिक्यूल्स का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड हां चलो स्पीड दिया हुआ है मान लो वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव, सो यू हैव ओनली ए हाइपोथेटिकल केस, हां फाइव मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, इसका कुछ ले लो भाई 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है इसको ले लो से 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है इस डेटा के लिए, हाँ मॉलिक्यूल्स यहाँ अंदर घूम रहे हैं, फॉर दिस डेटा इफ आई आस्क यू, चलो निकालो फाइंड एवरेज स्पीड, पहले निकालो फाइंड एवरेज स्पीड ए पार्ट, और इसी डेटा के लिए फाइंड रूट mean square speed. Sorry. Average root mean square. हाँ भाई root mean square ऐसे ही आना है, average तो आप निकाल ही लोगे ना, root mean square में ऐसा आना है. ओके ओके ठीक है. हाँ देखो भाई एवरेज का कैसे करोगे यार, एवरेज सिंपल है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर प्लस वी फाइव बाई टोटल एन. हाँ यहाँ पे एन कितने हो जाएंगे, फाइव, तो इससे एक वैल्यू निकाल लेना यार, ये वाला ये कितना आ जाएगा यार, ये वाला आंसर कितना आ रहा है सर, 3 ये 3 आ रहा है. ओके अब जो है ये असम करने के 3 आ रहा है. अब इसका अब इसमें क्या करोगे, पहले वैल्यू लिखो यार, क्या है 2 है 4 है 1 है 3 है 5 है ना, पहले लिखा फिर स्क्वायर करो, स्क्वायर 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 स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर के बाद क्या करना है, मीन. मीन का मतलब क्या होता है, सम टोटल डिवाइड बाय n, n कितने हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, 5 n है ना. अब इसका रूट लेना, ये कितना रहा है इसका रूट ऑफ रूट 11. अभी अंडरस्टूड, ठीक है ना, ये वाला जो है तो ये अगर कि मान लो ऐसे छोटे कम मॉलिक्यूल्स कैसे है ना, अदरवाइज अब तो हम, लेकिन हमारा मॉडल में क्या है उसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो वाला हम डिराइव कर रहे हैं, तो ठीक है मैं डिराइव करता हूँ, एक मिनट ये जल्दी कॉपी करो. अभी समझ में आया ना एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यूनिट ना, अरे तो मीटर होगा ना यार इसका, मीटर पर सेकंड ही होगा ये ना, भी जो ऐसे हो गया ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर मीटर पर सेकंड ही तो आएगा. चलो ठीक है अभी कैन आई इरेज, आयुष अंडरस्टूड, हाँ सर एक मैंने एक्चुअली पूछा नहीं था, मुझे बस यही कहना था कि एक बार एक मिनट रुक सकते हो सर, मेरे को बस नोट डाउन करना है. ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है. आई थिंक कोई और आयुष होगा फ्रॉम अदर बैच आई गेस. ओके ओके Yeah, will erase at least ये left वाला part. आयुष हाँ. Where will you use the RMS values? RMS values नहीं देखो अपने अभी जो molecules में they ask you ना are find the RMS speed of the gas molecules, ऐसा पूछ सकते हैं. फिर मतलब इसमें इसलिए use होता है ना, इसलिए हम वाला कर रहे हैं. इसमें आपने chemistry में भी तो यही किया डेरा. सर आपने जो arrow बनाया उसका मतलब क्या है? Arrow बनाया ओ नहीं 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 मैंने मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड को मैंने ऐसे याद रखा है, कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस जो है ऐसे लेफ्ट से आता हूं मैं आरएमएस के लिए. ओके सर, फर्स्ट वी टेक द वैल्यू स्क्वायर मीन रूट यू गिव अस द ऐसा. ओके सर ओके आई विल रेज दिस वन. अब जो है भाई अब डेरिवेशन जो है
pressure lock. Okay, next you have derivation means next is pressure of gas in a container. Neil aaj nahi aaya kya? Students, Neil aaj nahi aaya kya? Okay, Neil is not responding. Okay. Pressure of a gas in a container is not there in the middle. Okay. तो ये proof करना है आपको. क्या proof करना है? PV is equal to 1/3 mn V rms square. पहले देख लेते हैं भाई क्या क्या meaning क्या क्या है. This P is pressure of gas in container is the volume of gas, which is volume of container. Small m is mass of each molecule. Small m is the mass of each molecule. N, n is the total number of molecules present. And the total number of molecules present now. Or V RMS of the discuss kiya hai. Minus. अभी तक समझ आया ना एवरेज और रूट आरएमएस और फिर ये हम प्रूफ कर रहे हैं. ओके ओके हर्षल ये आ रहा है ना. यू रेज योर हैंड हर्षल. हाँ कम अप. हेलो सर. हां सर ये अंडरस्टूड. यस सर इसमें फार्मूला तो दिया है अब इसको प्रूफ करना है ना. यस यस इसको भी प्रूफ करना है. ठीक है आई विल रेज दिस वन इफ एवरीबॉडी हैज कॉपीड. प्लीज टेक स्क्रीनशॉट आल्सो. ओके डन. ओके ओके अनमोल नहीं हुआ है जल्दी करो. तुम्हारी प्रूफ कर लिया यहाँ. अरे हाउ विल यू इसका प्रूफ बताओ. इसका प्रूफ एक्सप्लेन करना है. आई विल रेज दिस वन गाइस. तो इसके लिए हाउ डिड यू प्रूफ. ऐसे किया था ना. यू हैड टेकन अ कंटेनर क्यूब के लिए. क्यूब क्यूब लिया साइड एल का. ठीक है साइड एल का क्यूब हो गया ये वाला. अब जो है प्रेशर जब अगर चेम्बर में मॉलिक्यूल्स है प्रेशर क्यों आ रहा है तो मॉलिक्यूल्स आके बार बार उसको क्या कर रहे हैं ठोक रहे हैं है ना. तो मॉलिक्यूल्स अगर बार बार उसको आके पंच कर रहे हैं तो इसको बार बार इसके वॉल्स को पंच कर रहे हैं तो फोर्स आएगा. फोर्स आएगा तो फोर्स बाय एरिया से क्या हो जाएगा प्रेशर. हाँ अब जो है ठीक है भाई. अब जो है सपोज ये वाला फेस. अब इसका वॉल्यूम है ना. वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई. इसका क्यूब का वॉल्यूम जाएगा एल क्यूब. हाँ इसका साइड एल लिया है क्यूब का. क्यूब और साइड एल. हाँ अब जो है मॉलिक्यूल्स इसका नॉर्मल ये हो गया भाई ये वाला ना. और इसको से एक्स डायरेक्शन बोलते हैं. ठीक है तो मॉलिक्यूल्स आके इस वॉल को पंच कर रहे हैं. ठीक है तो अब जो है से एक्स डायरेक्शन है. अब क्या होगा मॉलिक्यूल जो भी आएगा इसको स्ट्राइक करेगा है ना. तो स्ट्राइक करेगा. अब जो है क्या होगा फिर यहाँ से कोलाइड हुआ तो इलास्टिक कोलिजन है. हाँ तो मान लो ये ऐसा आया वी एक्स. हाँ वी एक्स फिर से इलास्टिक होगा तो एग्जैक्टली रिबाउंड हो जाएगा फिर पीछे जाएगा. हाँ हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन की अभी देख रहे हैं. सिर्फ एक्स डायरेक्शन का. उसके बाकी कॉम्पोनेंट्स भी होंगे
लेकिन 3D motion को कैसे देखते हैं? Separately direction में, as we have studied in kinematics, ना? 2D पढ़ा था, 3D पढ़ा था, ये अलग अलग directions को separately देखा जाता है. यहाँ पर आपने Vx देखा, फिर Vx से strike किया, Vx से bounce होगा, और फिर जो है, फिर मान लो फिर वापस इसी वॉल को ठोकने आ रहा है, हाँ, फिर से collide करने आ रहा है. फिर that means इससे हम क्या calculate करेंगे? Time between two collisions. क्या जाएगा टाइम बिटवीन टू कोलिजंस विद दिस फेस. टाइम बिटवीन टू कोलिजंस कितना हो जाएगा? एल बाई वी एक्स जाने के लिए, एल बाई वी एक्स आने के लिए इलास्टिक है ना, तो टू एल बाई वी एक्स हो गया. अब इससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इस मॉलिक्यूल है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितना हो गया इस मॉलिक्यूल के लिए? ये तो टाइम हो गया, वी एक्स बाय टू है. यस, इसका इनवर्स हो जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज वी एक्स बाय टू है ना. अब देखते हैं मोमेंटम चेंज. इस मॉलिक्यूल ने इस वॉल को आके ठोका, राइट? तो मोमेंटम चेंज लिखते हैं भाई. मोमेंटम चेंज देखो, Vx से स्ट्राइक किया, Vx से ही बाउंस हुआ, तो मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा? 2 है ना, 2mvx हो गया मोमेंटम चेंज. अब जो है इस मॉलिक्यूल का फोर्स, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का फोर्स लिखना है भाई. इस मॉलिक्यूल का फोर्स क्या हो जाएगा? मोमेंटम चेंज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, टी है ना. तो डेल्टा पी को आपने लिखोगे 2mvx, और टाइम है ना, टाइम क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गई, जो लिख के आ जाएगी dx by 2l, है ना, 1 by t, ये तो है 1 by t, ठीक है. तो ये आ गया एक मॉलिक्यूल का फोर्स, ये कितना हुआ? ये 2 तो उड़ा दो, mvx square by l आ गया एक मॉलिक्यूल का फोर्स. हाँ, अब जो है हमें क्या करना है, सभी मॉलिक्यूल्स के लिए निकालने हैं. सभी मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर फोर्स निकालेंगे और फिर प्रेशर की तरफ जाएंगे. पहले फोर्स निकाल लेते हैं, तो फोर्स के लिए ठीक है, इसको कॉपी करो सो दैट आई कैन इरेज दिस वन, दिस स्पेस. कैन यू एक्सप्लेन हाउ डू यू डू इट? 2l बाय vx. हाँ देखो भाई, इस वॉल को ठोका, इस वॉल को ठोकने के बाद उसकी वेलोसिटी उल्टी हो गई, अपोजिट. हाँ, नाउ x डायरेक्शन में वी आर ऑब्जर्विंग इन x डायरेक्शन, तो अगेन इट विल गो टू दिस अपोजिट वॉल. हाँ, इसका साइड इज l, तो टाइम इज l by vx, टाइम होगा ना डिस्टेंस बाय स्पीड. l by vx जाने के लिए, l by vx आने के लिए, तो टाइम कितना हो गया? 2l by vx. वो ग्रेविटेशनल फोर्स वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी एक assumption है ना. अच्छा हाँ, वो भी एक assumption है. उसके बाजू में क्या लिखा है? डीएम नहीं, ऊपर फिगर पे, फिगर पे डायरेक्शन. अच्छा ठीक है, एक्स डायरेक्शन. हाँ सर, आप एक मिनट रुक सकते हो, ऑलमोस्ट होने वाला है. यस कृष्णा, हाँ अपन क्या कर रहे हैं? ओके अनम्यूट. हाँ प्लीज, वेद को डाउट है क्या? डन सर. डन क्या? हाँ हाँ चलो. अब भाई देखो, ये आ गया एक मॉलिक्यूल का टोटल निकालना है भाई. आपको कहाँ पहुँचना है? प्रेशर तक पहुँचना है. हाँ सर, डाउट है. ओके ओके हाँ वेद, हाँ प्लीज टेल योर डाउट. वेद हाँ प्लीज टेल, कैन समबडी अनम्यूट वेद? प्लीज अनम्यूट वेद. वेद एनी डाउट? सर मैंने नहीं पूछा, आई थिंक दूसरे वेद ने पूछा. ओके ओके ठीक है चलो. हाँ तो भाई देखो, अभी हमको क्या निकालना है? ये प्रेशर की तरफ बढ़ना है ना. प्रेशर जो है, हाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया है ना. पहले फोर्स निकालते हैं, फिर एरिया, तब जाके प्रेशर की तरफ पहुंचेंगे. दैट इज आवर एम इन द डेरिवेशन. पहले फोर्स निकालते हैं,
क्या हो जाएगा, सबका समेशन करना पड़ेगा भाई, M1 F1 plus F2 plus F3 and so on. अब देखो यहाँ एक मॉलिक्यूल का ये आया था. अब याद है कि हमने assumption, fifth assumption में लिखा था, हमने क्या लिखा था, Vx square is V square by 3, है ना. तो अगर मान लो x1 वाले का है, ये 1 वाले का है, तो क्या हो जाएगा, V1 square by 3. तो ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, M V1 square by 3. Okay, तो F common. अब ये क्या हो गया, सब by 3L ना. अब देखो सब में क्या होगा, सभी मॉलिक्यूल, और assumption भी क्या है, all molecules are identical. M is constant. M is equal. Correct. सब में M by 3L constant आ जाएगा भाई. तो क्या आ जाएगा, V1 square plus V2 square plus V3 square and so on. हाँ, ऐसा बन जाएगा. अब देखो हमने क्या लिखा था, VRMS square. याद है VRMS कैसे निकाला था, V1 square plus V2 square plus V3 square. So on divide by n, और उसके root को VRMS बोला था. तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो रूट हटा दो, ये बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर. तो मतलब ये सिर्फ मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगा, है ना. आपने रूट तो हटा दिया, तो इसको स्क्वायर कर दिया. तो अब यहाँ इसको यूज करना है. इसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, एन से ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं ये वाला. और इस पूरे की जगह क्या लिखोगे, एम बाई टी एल एम एन, और इस पूरे की जगह यू राइट वी आर एम एस स्क्वायर. तो अब अभी यहाँ तक पहुंचे, अब एफ फोर्स निकला है, बट वी वांट टू फाइंड प्रेशर. हाँ ठीक है, प्रेशर के लिए यहाँ तक कॉपी करो जल्दी. ये वाला है मेरे ऊपर वाला. अब फोर्स आ गया, प्रेशर कैसे निकालोगे. तो प्रेशर के लिए भाई ठीक है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स ये वाला है ना, एम एन वी आर एम एस स्क्वायर बाय 3L था. और एरिया ऑफ दिस स्पेस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर. तो ये बन जाएगा P. अब देखो L into L square, वो क्या हो जाएगा, L cube, which is the volume of the cube. हाँ, तो L cube को इधर ले आते हैं, इधर रख देते हैं, और ये इधर साइड क्या हो जाएगा, MN VRMS square by T. फिर ये क्या बन गया, P into B is 1 by T. MN VRMS square. हो गया प्रूफ. निश्चित डाउट है. हाँ अपनी सास सर, इन द बुकलेट दे हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला एंड देन दे हैव रिटन रो इज इक्वल टू mn बाय l क्यूब. इज देयर एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रो, और इट इज जस्ट रो इज डेंसिटी. देखो अच्छा, रो क्या है डेंसिटी. हाँ अच्छा डेंसिटी के लिए हो. हाँ, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. अच्छा, टोटल वॉल्यूम तो v है, l क्यूब. और टोटल मास क्या हो जाएगा, एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, n मॉलिक्यूल्स है, टोटल मास विल बी m into n. ओके सॉरी सर, एक्चुअली आई डिडंट. ओके थैंक यू. वी हाउ डू गेट 3l इन द डेनोमिनेटर. ओ 3l कैसे आया, देखो भाई यहां तक किया था, mvx square by l आ गया था, है ना. अजम्पशन फिफ्थ वाला अजम्पशन क्या कहता है, कि सब डायरेक्शन इक्विवेलेंट है. उससे vx square की वैल्यू क्या आ गई थी, v square by 3 आ गई थी, है ना. तो v1 square by 3, अब vx की जगह v1 square by 3. ये तो वन का हुआ, एक मॉलिक्यूल का, सबके ऐड कर दिए. एक मिनट जाओ ठीक है. तो ये अंडरस्टूड द डेरिवेशन. ठीक है भाई, अब जो है आई विल रेज दिस वन, ये वाला तो रेज कर सकता हूँ मैं. तो ठीक है, यहाँ तक तो आ गए ना. अब जो है तो ये हमारा हो गया अप्रूव, पी वी इज इक्वल टू 1 बाय 3 एम एन वी आर एम एस स्क्वायर. अब जो है एम इनटू एन हो गया टोटल मास, और नीचे पी तो है ही पी, और वी को नीचे ले आते हैं और वी आर एम एस स्क्वायर लिख देते हैं.
को नीचे उतारा, एम एन टू एन को मास लिख दिया पी, है ना। अब देखो मास बाय वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगी, वी आर एम एस स्क्वायर। तो वी आर एम एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी पी बाय रो स्क्वायर, ना ये हो जाएगा स्क्वायर का डी पी बाय रो। रूट मीन स्क्वायर, स्पीड इज स्क्वायर का डी पी बाय रो। Can I erase this one? You know, yeah. Yes, Ansh, please tell. Yes, sir. आपने नीचे F1 is equal to ये क्या लिखा है वो after the you derive PV is equal to 1/3 mn. वो ये वाला पहले जब use किया था, नहीं ये तो नहीं, ये तो पहले का है ना। अच्छा ओके, sorry sir, मुझे लगा आपने बाद में। It's okay. अब देखो यहाँ तक आ गया, फिर जो है You should, yes, हाँ, भाई ये वाला याद रखना है ना, ये वाला याद रखना है फॉर्मूला। अब देखो इसमें तो आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको 3 RT/m प्रूव कर रहा हूँ, एक मिनट बस हो जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन में वोला यूज करके प्रूव करता हूँ। अब ये हो जाएगा मास, मास बाय मोलर मास, हाँ एम आर टी हो गया टी, ठीक है। अब मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, मास बाय वॉल्यूम रो आर टी बाय एम हो जाएगा, है ना। अब जो है पी बाय रो क्या हो जाएगा, आर टी बाय एम। तो वी आर एम एस की जगह क्या लिख सकते हो, वी पी बाय रो इज ऑल्सो इक्वल टू वी आर टी बाय कैपिटल एम, ठीक है। ओके ओके ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। हाँ प्लीज आस्क, किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। अंश, हाँ अंश, नहीं सर पहले का ही था, मैं लोड करना भूल गया। ओके ओके वेरी गुड। होमवर्क, होमवर्क ठीक है, होमवर्क तो अभी So can you give after the MT? Yes, yes sir, please. ठीक है ये वीक, हाँ ये वीक नहीं, होमवर्क ये वीक नहीं भाई अलग, लेकिन नोट्स भाई ऐसा नहीं कि पूरा सिर्फ वही पढ़ रहे हो यार, पुराने वाले इसके भी समरी एटलीस्ट भाई समरी प्लीज लिखते रहो ना, समरी शीट, समरी शीट सबको मिला है ना, और शुड आई रीसेंड इट अगेन? सर रीसेंड इट ऑन हार्गर ग्रुप ना, ये रीसेंड। ओके ठीक है मैं फिर से रीसेंड करता हूँ, लेकिन यार उसको एटलीस्ट 15-15 मिनट्स को कभी कभी देखते रहो, कांग्रेस भूल जाओगे नहीं तो। ओके 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 गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, मंडे फिर यहीं से ही आगे विल कंटिन्यू, हां गाइस थैंक यू ऑल। हां इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। सो वी कैन लीव, यस यस यस, हां क्लास इज ओवर, यू गाइस कैन प्लीज लीव। थैंक यू सर, किसी को डाउट है प्लीज आस्क। हां थैंक यू सर। हां सर एमटी में ऑप्टिक्स का वेटेज कितना होगा रफली? एक्चुअली पेपर जैसे फैकल्टीज दूसरे फैकल्टी सेट करेंगे ना, तो वो तो उनका डिस्क्रिप्शन है। अच्छा ओके सर। सर नॉर्मली जेई में कितना होता है वेटेज उसका? जैसे वेरी करता है, जैसे बताया था ना ये 2018 के पेपर में तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसके, और किसी में कम आए थे काफी, तो वो मतलब एडवांस के लिए ऐसा कोई फिक्स्ड ये नहीं है, उनको उन पे फिक्स नहीं है, वो दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी, वो लोग अपने डिस्क्रिप्शन पे कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा ओके सर। सर आपको कितने लगते हैं? सर वो प्रिपेयर सर जेई पेपर्स। क्या क्या जेई पेपर्स क्या? एनटीए। एनटीए। नहीं मतलब अभी क्या? हाँ एनटीए सेट करते हैं यस। एंड मेंस के लिए, मेंस के लिए एनटीए है ना? सर यूज्ड टू बी इन राव आईआईटी। यस यस पहले हाँ यस। सर Yes, yes, हाँ, please tell. छोटा डाउट था कि आपने बोला कि कोई भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलोंग x, y एंड z डायरेक्शन सेम होगी, मतलब vx, vy एंड vz कंपोनेंट सेम होंगे, राइट? जैसे हाँ इंडिविजुअल एक मतलब एक मॉलिक्यूल का जब हम तीन वेक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो वो एज पर द अजम्पशन है कि सेम लिया गया है, तो मतलब वो मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि x डायरेक्शन में फास्ट जाएगा, y में स्लो जाएगा या z में फास्ट, ऐसा
हाँ सर, पर अगर आपने हमने वो अज्यूम किया कि vx vy vz सेम है तो मतलब फिर मॉलिक्यूल सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा पाएगा ना, पर हमें तो पता है कि अजम्पशन से कि मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन में कोई भी डायरेक्शन में होते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, vy vz सेम हो गए तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ही होगी ना मॉलिक्यूल्स की। नहीं 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 नहीं, जैसे अगर मान लो नहीं, अगर 45 डिग्रीज टू ऑल द एक्सिस, नहीं अगर मान लो सपोज आप बोल रहे हो कि से किसी x डायरेक्शन में ज्यादा है ना, एक्स डायरेक्शन में ज्यादा है तो हो सकता है अब मतलब एक्स डायरेक्शन में ज्यादा है ज़ूम कर लिया तो क्या होगा वॉल के एक साइड में स्टेडी स्टेट में, हाँ स्टेडी स्टेट में क्या होगा मतलब जो भी कंटेनर है कि उसके एक साइड में कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा और दूसरे साइड कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। सर पर लाइक दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे क्या कि मतलब एक मॉलिक्यूल का एक्स के अलोंग ज्यादा है पर अगर सपोज दूसरे मॉलिक्यूल का वाई वाई और जेड के अलोंग ज्यादा है तो कंपनसेट हो जाएगा ना वैसे। हाँ, लेकिन उन लोगों ने अजम्पशन में ऐसा लिया है, उन्होंने अजम्पशन में बोला कि भाई हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का ऐसा लेके करते हैं सकते हैं, ये अजम्पशन है इस मॉडल के लिए। तो सर फिर रैंडम मोशन क्यों बोला है, मतलब हमें ये पोस्टुलेट्स में है ना केटीजी के की पार्टिकल्स आर इन अ रैंडम मोशन ऐसे, पर अगर सारे कंपोनेंट्स ऐसे सेम होंगे तो 45 डिग्री से इंक्लाइंड होंगे ना। सर आई गेस सम ऑफ कौन सम ऑफ वो ये होंगे कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। नहीं सब अगर एक्सिस में यू आर सेइंग कि मतलब नहीं, अगर कि मान लो एक ही मॉलिक्यूल्स का ऐसा आ गया है ना तो ओवरऑल हर डायरेक्शन में एवरेज तो वही बनेगा ना फिर। सर पर हर अगर एक एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी लिखा था v1 इक्वल टू vx i cap प्लस vj अरे vy j cap प्लस vz k cap, पर आपने बोला vx इक्वल टू vy इक्वल टू vz हर एक मॉलिक्यूल के लिए है तो फिर तो उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ही हो गया ना, वो बस मैग्नीट्यूड चेंज होगा उसका जो है, जैसे ये v1 y j cap प्लस v1 z k cap ऐसा हो गया, v2 के लिए भी वैसे हो जाएगा v2 x ऐसा ऐसा है ना v2 y j cap तो, और ये जो है v2 z k cap ऐसा है ना, ऐसा आ गया। तो अब जो है यू आर सेइंग कि हाँ मतलब अगर कि मान लो इसको यू आर टू ट्रीट इट डिफरेंटली ऐसा बोल रहे हो। हाँ सर, v1x plus v2x equal to v1y plus v2y होगा ना, v1x equal to v1y तो जरूरी नहीं होगा ना। राइट नहीं नहीं फिर नहीं उन लोगों ने जस्ट नहीं एक्चुअली एम क्या है स्टेडी स्टेट में ना, स्टेडी स्टेट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना चेंबर के एक साइड मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा अमाउंट में है और चेंबर के दूसरे साइड में मॉलिक्यूल्स कम अमाउंट में है। जैसे अगर मान लो ऐसा है ना तो ये ऐसा है तो ये चेंबर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई या x डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स इस साइड ज्यादा कंसंट्रेशन है और मान लो ये जो है आपका y में इधर कंसंट्रेशन कम है ऐसा, तो इस वाले को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। सर बट वो तो सम ऑफ कंपोनेंट्स सेम होना चाहिए ना, एक हर एक कंपोनेंट हर एक वेलोसिटी का सेम होना जरूरी थोड़ी है। इसके इंडिविजुअल वाले वैल्यूज इंडिविजुअल इसका इसका v1x v1y और v1z इक्वल होना जरूरी थोड़ी है, जितना x में टाइम स्पेंड कर रहा है उतना y में उतना ही z में स्पेंड कर रहा है और हर मॉलिक्यूल वैसा ही स्पेंड कर रहा है तो क्या होगा डेंसिटी का यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा स्टेडी स्टेट के लिए। लेकिन तो सब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे ना ऐसे तो। हमने क्या किया वो मॉलिक्यूल इस फेस को स्ट्राइक कर रहा है तो इस फेस को स्ट्राइक कर रहा है इसलिए हमने उसका सिर्फ एक्स वाला ही देखा, वो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली वाई को भी स्ट्राइक करेगा क्योंकि उसका 3D मोशन है ना, जैसे ये स्ट्राइक करके पहुंचा इधर और ऐसा भी हो सकता है ना, अच्छा ओके सर राइट। जैसे हम 3D मोशन में वैसे ही लेते हैं, 3D मोशन में अगर कि आपका इंटरेस्ट इस फेस पे है तो इस फेस का नॉर्मल वाला, इस फेस का नॉर्मल वाला कौन सा एक्स डायरेक्शन, ऑल्दो मॉलिक्यूल के पास तीनों कंपोनेंट्स हैं, मैंने ऐसा नहीं माना अरे जो प्रूफ कराया था उसमें थोड़ा माना था कि मॉलिक्यूल पूरा का पूरा एक्स में जा रहा है, नो मॉलिक्यूल तो 3D स्पेस में जा रहा है, उसका मैंने x कंपोनेंट लिया क्योंकि मैंने मेरा इंटरेस्ट इस फेस पे था।
सर तो ऐसे तो सब मॉलिक्यूल्स एक ही एक्सिस से एक ही एंगल पे इंक्लाइन पे मूव करेंगे ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे ना सब मॉलिक्यूल्स? हाँ, नहीं फिर कोलिजन के बाद फिर रिवर्स रिवर्स भी हो जाएंगे। अच्छा राइट, ओके कोलिजन भी तो उतरेंगे, कोलिजंस हो रहे हैं फिर उसके बाद इवन ये तो वॉल्स के साथ कोलिजन है, फिर उनके आपस में भी तो कोलिजंस हो रहेंगे ना। तो इसलिए उन लोगों ने जो है डेंसिटी का यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई ठीक है सभी मॉलिक्यूल्स जो है ऐसे अपने अलग अलग ऐसे प्रिफर्ड किसी को देना नहीं। जय हाँ यस सर अंडरस्टैंड। ओके गाइस ठीक है फिर पुराने जो है अगर अभी तो बोल नहीं सकता टाइम तो कि आप कंप्लीट करो, लेकिन अगर होता है तो प्लीज ट्राई करना कभी, मान लो फॉर अ चेंज अगर दूसरा टॉपिक करना चाहते हो तो प्लीज रिफर कैलोरीमेट्री और वो थोड़ा सा हो जाएगा। यू वर सेइंग कुछ थिंग किसी का मैसेज था क्या क्या था? ऑप्टिक्स का ई टेस्ट हाँ करते हैं ना। हाँ गाइस इस डाउट लेक्चर में करें क्या यार? हाँ ऑप्टिक्स के ई टेस्ट भाई कहाँ तक हो गए थे? फाइव तक हो गए थे तो जो है यार वहाँ से करते हैं यार 6 7 8 पांच और बाकी है ना, तो पांचों फिर इस वेडनेसडे को करें। ठीक है गाइस इस वेडनेसडे को करते हैं। ठीक है गुड गुड सजेशन। ओके GPS, thank you. Thank you. Thank you.